अब देखते हैं हमारा कितना खिला खिला चावल बना है और ये चना दाल। तो देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है और ये हमारा पुलाव बहुत लंबा लंबा भी है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसमें ना गाजर डाले हैं, मटर डाले हैं, फिर काजू डाले हैं, जिससे ये और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को घर पे भी ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका कैसा बना है। तो आज आप देख सकते हैं आज मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ क्योंकि आज मम्मी ने चादर को सुखाने के लिए रख दी थी और आज बहुत ज़्यादा कड़क धूप है और आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हवा भी चल रहा है तो इसलिए मैं बाहर बैठ गया हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है बाहर, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी। हाँ तो अभी मम्मी कुछ बनाने जा रही हैं, तो अभी आपको वो चीज़ पता भी चल जाएगा और आज कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो आपको भंडारे में मिलता होगा, शायद गांव में मिलता होगा क्योंकि यहाँ पे कम मिलता है और हमारे गांव में तो भंडारे में तो यही मिलता है। तो अभी हमने दाल को वॉश कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको डाल देते हैं कुकर में, अभी हम पूरे कुकर में डाल देते हैं दाल। हमने धो के लिए हैं दाल, तो अभी हमने डाल दिया है। तो अभी हमने इसके अंदर डाल रहे हैं नमक और अभी हम डाल रहे हैं इसमें ऑयल और नहीं डाल रहे हैं। और अभी हम इसको ढक के पका भी लेते हैं गैस पे। लाल मिर्ची डाल लिए हैं और थोड़ा सा ही इसमें हींग डालते हैं। हींग डालने के बाद में इस चॉप किया हुआ अनियन डाल रहे हैं। इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च के इसको पेस्ट डाल रहे हैं, दरदरा से कुट लिए हैं और इसको थोड़ा सोते कर लेते हैं। इसमें मसाले में ले लिए हैं, ये लाल मिर्ची पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, किचन की मसाला है, गरम मसाला है, जीरा पाउडर है और इसमें डाल देते हैं। इसमें थोड़ा पानी डालकर भून लेते हैं। मसाला भून गया है और इसमें डाल रहे हैं टमाटर, घिसा हुआ टमाटर है। टमाटर डाल दिया तो इसमें नमक डाल रहे हैं, पहले डाले थे नमक उसी के हिसाब से डाल रहे हैं नमक, स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं। भुना गया है अब इसमें डाल लेते हैं दाल। साइड साइड से ऑयल पूरा छूट गया है, देख सकते हैं मसाला पूरा पक गया है अच्छे तरीके से। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। दाल चना के लिए है, चने के दाल भी अच्छा बनता है। अब इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं। और अभी हम इसको कर लेते हैं मिक्स। और इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल रहे हैं, धनिया पत्ता। अब इसको ढक के पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा कुछ ऐसा हो गया है। तो अभी हम डाल इसमें काजू बादाम, अपना मन पसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मखाना किशमिश ये सब डाल सकते हैं। और अभी हम इसको कर लेते हैं मिक्स। पुलाव बनाने जा रहे हैं, इसमें घी डाल दिए हैं मेल्ट होने के लिए। तो अभी हम घी को मेल्ट होने देते हैं। जीरा डाल लेते हैं, ये दालचीनी है, बड़ी इलायची है, इसको डाल देते हैं और 10-12 काली मिर्च है और 3 लौंग ले लिए हैं इसको डाल देते हैं और काजू है
काजू को डाल देते हैं। दो मिर्ची डाल दिए हैं, दो से तीन मिर्ची डाल दिए हैं। इसमें गाजर डाल रहे हैं कटा हुआ है, एक गाजर ले लिए है, एक गाजर डाल रहे हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। बाल मटर ले लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं, डाल के चला लेते हैं। पतीले में बना रहे हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, पतीले में बना रहे हैं। अब इसमें आधा बाउल ले लिए हैं चावल, देख सकते हैं। अब चावल डाल दिए हैं, कच्चा चावल है, 5 मिनट भिगो दिए थे। मिक्स कर देते हैं चावल को। जितना चावल लिए थे उतना पानी ले रहे हैं, पानी उतने लेना है। अब इसमें डाल रहे हैं, इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ले लिए हैं। आधा ढक्कन केवड़ा बटर ले लिए हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुलाव में। ढक के इसको पका लेते हैं 5 मिनट, एकदम लो फ्लेम पर पकाना है। तभी हम इसको निकाल रहे हैं। पुलाव तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है पुलाव। तभी हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसको टूटे ना इसे करके निकालना है पूरा। इसमें खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि हमने इसमें ना केवड़ा वाटर डाले हैं। आप इसमें कोई सारे फ्लेवर डाल सकते हैं। तो हम इसके साथ निकाल लेते हैं दाल, और आप देख सकते हैं दाल में खुशबू आ रही है बहुत। आप देख सकते हैं हमारा कितना खिला खिला चावल बना है और ये चना दाल। तो देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है, और ये हमारा पुलाव बहुत लंबा लंबा भी है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसमें ना गाजर डाले हैं, मटर डाले हैं, फिर काजू डाले हैं, जिससे ये और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को घर पे भी ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका कैसा बना है। तो अभी हम पुलाव को चना दाल के साथ खाने जा रहे हैं कि हमारा कैसा बना है। तो टेस्ट करने की बारी है, अब टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा ये डालते हैं, यहाँ से लेते हैं और थोड़ा सा खा लेते हैं। गाइस बहुत ज्यादा टेस्टी है, गाइस बहुत ज्यादा टेस्टी और यम्मी, कुछ कह ही नहीं सकते, ये इतना टेस्टी है कि पूछे मत। तो मैं तो इसको एक और बार टेस्ट कर रहा हूँ। मैं भी
गाइस बहुत ज्यादा टेस्टी है, मजा आ गया खा के। और गाइस ये बिल्कुल एकदम होटल जैसा है, रेस्टोरेंट जैसा। और आप ये होटल का सारा चीज आप घर पे भी बना सकते हैं, बस तो आप चैनल को देखिए और बनाइए आप घर पे इजी तरीके से। और अलग अलग रेसिपी की मतलब अलग अलग फ्यूचर में हम अलग अलग मतलब स्टेट्स का डिश भी बनाएंगे, तो आप भी उसको देखिएगा और बनाइएगा और हमें कमेंट बताइएगा कि आपका कैसा बना है। तो चलिए मैं करता हूँ, तो अगर आपको रेसिपी अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।